Hello? एवरी वन वेलकम बैक टू अर चैनल ज्योति उपाध्याय शंघर आई एम ज्योति एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई क्रिएट दिस मेकअप लुक सो गाइज इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल सा ये मेकअप लुक है जो कि आप छोटे मोटे किसी फंक्शन में भी क्रिएट कर सकते हैं और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउस वाइफ और हाउस मेकरस के लिए ही है अगर आप सिंदूर इसको स्किप कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी लड़की भी लाइक like, like, अगर आप नॉर्मल गर्ल हैं तो आप मैरिड नहीं हो तो भी आप इस मेकअप लुक ट्राई कर सकती हो डेफिनेटली तो छोटे मोटे फंक्शंस में जिसमें आप सूट डालने वाले हो तो सूट के लिए तो परफेक्ट है ये अदरवाइज साड़ी पे भी, भी ये मेकअप लुक जाएगा बहुत इजीली सो नॉट ओनली फॉर हाउस वाइफ और हाउस मेकर गर्ल्स के लिए भी मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल सा आप चाहें तो सो घर पे भी आप मेकअप कर सकती हैं सो so, आइए देखते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लेट्स सी कि मैंने कैसा मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है कौन कौन से प्रोडक्ट्स को कैसे कैसे यूज़ किया है सबसे पहले गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर क्रीम और ये क्रीम बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है तो पूरे फेस पर मैं उसको अप्लाई कर लूँगी आप देख सकते हैं और अच्छे से पूरे फेस पे मैं इसको लगा लूँगी जिससे कि आपके स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मामा अर्थ का इल्यूमिनेटिंग आपका फेस सीरम यहाँ पे मैं फेस सीरम लगा रही हूँ जिससे कि आपके जो भी ओपन पोर्स वगैरह होंगे वो अच्छे से फिलअप हो जाते हैं और सीरम फाउंडेशन से पहले बहुत अच्छा लुक देता है प्राइमर मैंने स्किप कर दिया बट आप चाहें तो प्राइमर लगा सकते हैं मेरे ऐसा कोई पोर्स का प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आपके ज़्यादा हैवी पोर्स हैं तो आप यहाँ पर प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन इन द शेड नंबर वन वन टू एट मेरा शेड है वन टू एट जहाँ पे ज़्यादा आ गया था फाउंडेशन वहाँ पे मैंने उठा के वहाँ से उंगली से अपनी फिंगर से पूरे फेस पे उसको डैप डैप करके फैला लिया है जैसे कि आप देख सकते हो माथे पे थोड़ा ज़्यादा आ गया था और इस वाले चीक्स पे थोड़ा ज़्यादा ले लिया था मैंने तो इस तरह से मैंने पूरे पे स्प्रेड कर दिया नॉर्मल फिंगर से आप चाहें तो हाथ से भी इसको अप्लाई कर सकते हो बट मैं यहाँ पे इसको पूरे फेस पे और ब्रश पे ब्रश से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और ये एक मैंने क्या करा है कि यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ न करके पे भी फाउंडेशन लगा रही हूँ उससे क्या होता है अगर आप चाहें तो कंसीलर मिस कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं और उस देख सकते हैं फाउंडेशन की कवरेज वन ट वन टू एट मेरा फाउंडेशन शेड है गाइज़ और आप इसको फ्लिपकार्ट से मना सक मंगा सकते हैं अमेजोन पे पर्पल पे हर जगह ये फाउंडेशन आपको मिल जाएगा इस तरह से पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फिट का अपना कॉम्पैक्ट मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँगी अपने फाउंडेशन को उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिट का कंसीलर कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बट आप कंप्लीटली इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्या किया था हमने हमने फाउंडेशन लगा लिया था अपने आईज पे तो उससे क्या होता है डार्क सर्कल्स ऑलरेडी यू नो हाइड हो जाते हैं बट किसी किसी के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं तो आप वहाँ पे अपना कंसीलर से उसको इस आ, उसको हाइड कर सकते हो उसके बाद मैं छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से दोनों आईज के कंसीलर को बहुत ही अच्छा इसका कवरेज है बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंटेशन है गाइज बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है फिटमी का कंसीलर उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेरा ब्यूटी ग्लिस्ट का गोज मी आई पैलेट आप देख सकते हो ये आई पैलेट बहुत ही बहुत ही अच्छा है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है इसका लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ मेरा पीची ऑरेंज आई मीन लाइक लाइट ऑरेंज कलर ये बहुत ही लाइट शेड होता है आप इसको अपनी पूरी आइज़ पे लोअर लिट से लेकर अपर लिट तक आप इसको अच्छे से अप्लाई कर दीजिए जिससे कि आप कोई सा भी शेड लगाओगे तो वो इजीली इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से होके आएगा मैं नॉर्मल लाइट ऑरेंज पीची ऑरेंज मैं इसको यहाँ पर पिक करके अपने पूरे आउटर क्रीज पर लगा लूँगी ऊपर तक थोड़ा सा लाइक आईब्रोज़ के पास तक जिससे कि आप देख सकते हो कि डिफरेंस साफ साफ आपको पता चल रहा है आप जो सा भी शेड अप्लाई करोगे लिट पे वो इजीली इसके साथ मिक्स हो जाएगा और आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा आएगा उभर के आएगा बेसिकली तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो कोई सा भी लाइट शेड पिक कर सकते हो मैं यहाँ पे अपने ड्रेस से कुछ मिलता जुलता पिक कर रही हूँ अदरवाइज आप कोई भी लाइट शेड पिक कर सकते हो बिल्कुल लाइट शेड को सबसे पहले आप अपनी पूरी आइस पे अच्छे से ऐसे करके ब्लेंड करके फिला लेंगे और पूरी आइस पे अच्छे से लगा लेंगे जिससे कि आप कोई सा भी फिर उसके बाद कलर लगाओगे तो वो ईजिली आपकी आइसक्रीम में आ, लाइट शेड के साथ ब्लेंड होके आपकी आइस को और बड़ा दिखाएगा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाएगा ये देख सकते हैं आप दोनों आइस में मैंने लगा लिया उसके बाद एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ पिंक कलर ये देखिए आप ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है ऑरेंज पिंक का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया है आप चाहें तो ऑरेंज पिंक येलो भी ले सकते हैं या फिर आप जो सी भी ड्रेस कैरी कर रहे हो उस ड्रेस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पिक कर सकते हो कलर तो यहाँ पे नॉर्मल फ्लैट ब्रश की साइड से हेल्प से मैं यहाँ पे अपनी आ, इनर क्रीज पे इनर क्रीज से लेकर आउटर क्रीज तक मैं नॉर्मली अपने लिट पर अप्लाई करूंगी सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं आप पहले बहुत लाइट सा अप्लाई करेंगे लाइट शेड इसको बाद में हम उसको डार्क कर देंगे दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करके सो so, इस तरह से मैंने अपनी आइज पे लगा लिया है अब मैं सेम शेड लेके अपने दूसरे आइस पे लगा लूँगी गाइज अगर ये मेकअप लुक अच्छा लगे डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा उसके बाद सेम शेड मैंने दोबारा से लेकर उसको और थोड़ा सा डार्क कर लिया अपने अकॉर्डिंगली आप लाइट डार्क कर सकते हो मैंने थोड़ा सा और डार्क कर लिया उसके बाद क्योंकि वो मैट में था तो मैंने यहाँ पे एक पर्पल पिंक कलर पिक करा है अपने फिंगर से ये थोड़ा स्पार्कलिंग फॉर्म में है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये थोड़ा सा शाइनी और थोड़ा सा स्पार्कल फॉर्म में है ये आइज़ पे एक अच्छा सा शाइन देगा आपकी तो इसलिए मैंने सेम कलर पिक करा है पर्पल पिंक और वो बीच में ओनली एंड ओनली सेंटर में मैं अपनी फिंगर से इसको लगा लूँगी दोनों आँखों पर जिससे क्या होगा जो जो भी मेरी आँखें मेट फॉर्म में आ रही हैं देख सकते हैं आप डिफरेंस तो थोड़ा सा शाइनी आ जाएगा शाइन आ जाएगा आँखों पर देखिए तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये शेड और बहुत ही प्यारा लग रहा है आई मेकअप बहुत ही सिंपल सा है इस इनफैक्ट बिगिनर्स के लिए भी ये मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर लूँगी लाइनर आप अपने अकॉर्डिंगली पतला या मोटा कर सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत ही पतला सा लाइनर अप्लाई करना है क्योंकि मुझे सिंपल सा लुक रखना है तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक बहुत ही थिन फॉर्म में आप देख सकते हैं बहुत ही स्लोली स्लोली आपको लेके जाना है और इसका जो ब्रश है ऑलरेडी लाइनर का वो भी बहुत ही पतला है तो पतला लाइनर लगाने में मुझे बहुत हेल्प हो जाती है बिकॉज इसका आप देख सकते हैं पॉइंट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पतला सा है तो पतला से भी पतला लाइनर आप इस ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो बहुत ही बढ़िया लाइनर है गाइज ये मैंने पर्पल से मंगाया है अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या पे मैंने दोनों आइज पर लाइनर लगा लिया उसके बाद मैं लगा रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा ये आ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आपके लैशेस को यू नो you know, डिफ़ाइन देता है बहुत ही वॉल्यूम देता है बहुत ही अच्छे से डिफाइन करता है तो यहाँ पे मैं नॉर्मल हाइपर कल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे एस स्ट्रे क्विक का स्पूली और पेंसिल ब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एस क्यू का यह मैंने पर्पल से मंगाया है आप भी ट्राई कर सकते हो तो एस क्यू के ब्रो पेंसिल से मैं अपनी ब्रो को फिलिंग कर लूँगी हालांकि मैं बहुत ही लाइट फिलिंग करती हूँ और इस लुक पर लाइट ही जाएगा बट अगर आपकी ब्रोज बहुत लाइट हैं तो आप फील भी कर सकते हैं और इसमें स्पूली इस अटैच्ड है तो बहुत ही ईजिली आप अपने स्पूली को बाद में स्पूली से ब्रश आउट भी कर सकते हो अपने ब्रोज को तो सारा जो आपका ब्रो है पेंसिल है वो इवन हो जाएगा पूरी ब्रोज पे लाइक like. तो so, uh, उसके बाद मैं मैक uh, का अपना ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ इसमें थ्री ब्लश के शेड हैं लाइट पिंक डार्क पिंक और पीछे पिंक तो एक लाइट पिंक उठाकर मैंने बहुत ही लाइट सा अपने फेस पे पर ब्लश आउट किया है दैट्स एड आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग डार्क कर सकते हैं बट लुक मेकअप लुक बहुत लाइट है तो बहुत ही लाइट सा ब्लश मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी सिंपल डन उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक का नाइन टू फाइव लिपशेड या आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना लिप शेड है खत्म हो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया इतना ही बचा है सिर्फ मुझे तो याद भी नहीं कितने साल हो गए लुक सबसे पहले सेंटर में लगाएंगे सेंटर में आपके जो आ, आपको लिप का शेप होता है वो आपको बहुत अच्छे से देना होता है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आ, लिप का शेड अप्लाई किया है सेंटर से सो दैट लिप्स का शेप अच्छे से आ जाए और उसके बाद हम पूरे लिप्स पर अप्लाई कर लेंगे बहुत ही प्यारा शेड है लॉन्ग लास्टिंग है लाइक मैं नाइन टू फाइव लिपस्टिक का तो आप ट्राई कर सकते हो इसका फिलहाल शेड नंबर बहुत पुराना हो गया ना तो मिस हो गया है तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इतना पता है रानी पिंक कलर है बहुत ही बहुत ही प्यारा लगता है फेस पे उसके बाद मैं एस क्यू का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है आप इसकी देख सकते हैं आप फिनिशिंग जस्ट हुआ इतना ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से लाइक जस्ट हुआ तो नॉर्मली हल्का सा मैं नोज़ पर लगाऊंगी अपने चिन पे क्रीज पे लगाऊंगी दैट्स इट और उसके बाद चीक्स पे चिन पे और थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी तो वो इस तरह से उसके बाद क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो आप अपनी नॉर्मल फिंगर से इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो आपको कोई अलग से ब्रश लेने की जरूरत नहीं है कोई ब्लेंडर लेने की जरूरत नहीं है तो मैं जस्ट नॉर्मल अपनी फिंगर से इसको पूरे फेस पे आई मीन जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है वहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दैट्स इट एंड लुकै ग्लो गाइज बहुत ही बहुत ही अच्छा है ये लिक्विड हाईलाइटर बहुत ही अफोर्डेबल है आप पर्पल पर आपको मिल जाएगा आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं मैंने भी पर्पल से मंगाया है सो और सेट गाइज एम टन देख सकते हैं आप मेकअप लुक मेरा कम्प्लीट हो गया है उसके बाद एट द एंड मैं लगाऊँगी बिंदी क्योंकि बिंदी के बिना कोई भी मेकअप लुक होता है वो अधूरा ही होता है एम से और इस टाइप के मेकअप लुक्स में तो डेफिनेटली बिंदी जाती ही जाती है तो मैं एक अपने सूट से मैच करते हुए बिंदी यहाँ पे पिक करूँगी छोटी सी बिंदी जस्ट नॉर्मल यहाँ पे मैं ब्लू कलर का बिंदी लगा रही हूँ सो या मेरा मेकअप बिल्कुल डन हो गया है गाइज उसके बाद ये इयर रिंग्स मेरी मम्बा ले आई थी मेरे लिए कनाड प्लेस से लिए थे बरेली मार्केट में ही तो ये इयर रिंग पहन लूँगी मैं और उसके बाद अपने अपने बालों को बना के अपनी चूड़ियों को सेट करके यहाँ पे मेरा मेकअप पूरा पूरा डन हो गया है गाइस मैंने यहाँ पे लूज साइड वाली चोटी करी है और यहाँ पे सिंदूर मैं थोड़ा डार्क कर लूँगी क्योंकि सिंदूर लाइट था तो थोड़ा सुना सुना लग रहा था थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं आ, अगर आप लड़की हैं शादी नहीं हुई है आपकी आप अनमेरिड हो तो आप यहाँ पे सिंदूर वाला ये पार्ट स्किप कर सकते हो कोई इशू नहीं है और आई होप गाइज आपको ये मेकअप अच्छा लगा होगा ये लुक अच्छा लगा होगा ऑल इस लुक को शेयर करने में मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया बट uh, आप लोगों ने इस लुक को बहुत पसंद किया था मैंने व्लॉग भी बनाया है इस लुक का तो उस उसमें आपने देखा ही होगा तो आप ऑलरेडी बहुत पसंद किया था तो इसलिए मैं ये लुक आपके लिए लेके आई हूँ ये मेकअप ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आई हूँ गाइज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक like, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तो आपको मिलते रहेंगे और ये लुक कैसा लग रहा है आप देख सकते हैं ये हाफ लुक है यहाँ पे मैंने फ्रॉक सूट कैरी किया उसके बाद ये फुल लुक आप मेरा देख सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा डोंट फॉरगेट टू तो लाइक शेयर शे, सब्सक्राइब एंड गेम मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलेगा थैंक यू